हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे बेटे का आधा राधा और आधा कृष्ण वाला फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का मेकअप है। तो यही मेकअप मैंने कैसे उसको तैयार किया, यही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने किस तरह से इसको सजाया, किस तरह से तैयारी की, चलिए देख लेते हैं। तो ये पहले एक पगड़ी में ले आई, जो कि एक बड़ा साइज़ का है, यही वाला साइज़ था अवेलेबल मार्केट में। तो इसी के ऊपर ही मुझे जो कुछ भी हेयर एसेंसरी से बाकी आधा कृष्ण का और आधा राधा का कुछ ऐसा करना है, तो इसी के ऊपर ही मैं जो कुछ भी करूँगी, क्योंकि इसके छोटे बाल हैं तो बाल के ऊपर सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर ही मैं सारा कुछ करूँगी और उसे पहना दूँगी। तो उसके अंदर भी मैं एक लेयर चढ़ाऊँगी, जो कि उसका कैप छोटा हो। ये देखिए, ये कॉस्ट्यूम के लिए, ये मेरे बड़े बेटे का जो मैं पिछले साल बनाएगी, तो इसी के ऊपर ही मैं कुछ अरेंज कर दूँगी, इसको थोड़ा छोटा कर लूँगी। और बाकी उसके ऊपर एक साइड क्रिस्ट का रहेगा और दूसरे साइड मेरा ये चुन्नी है, दो चुन्नी को ऐड करके मैं राधा का लहंगा कुछ ऐसे में बना लूँगी। तो मैं देखिए छोटे छोटे आइडिया दे रही हूँ, डिटेल्स में शेयर कर नहीं पाऊँगी, वैसे भी काफ़ी लंबा वीडियो है, जैसे मैं डिटेल बताती जा रही हूँ और काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ब्लाउज़ के लिए, राधा का ब्लाउज़ के लिए मैं अपना ये टॉप यूज़ कर रही हूँ, जो कि इलास्टिक से भरा हुआ है, स्ट्रेचेबल है। तो आराम से एक साइड में अंदर डाल दूँगी और एक हाथ उसका राधा के साइड रहेगा। तो सारा कुछ मैंने दिखा लिया, क्या क्या मैं करने वाली हूँ, अरेंजमेंट उसका, कॉस्ट्यूम उसका, जो एसेंसरीज, उसके बाद बस हो गया, फिर उसके मेकअप के तरफ चलेंगे। क्या क्या मैं मेकअप करूँगी, कैसे करूँगी, थोड़ा बहुत वो भी दिखा दूँगी, लेकिन ये थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ा लिया है। तो देख लीजिए, छोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा, लेकिन एकदम से और भी मुझे इतना अच्छे से मैं सूट भी नहीं कर पाई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, इतना क्लोजली मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए नहीं, उसका स्कूल के लिए जाने की हड़बड़ी है, तो उसको तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए लेके जाने के लिए। तो उसी बीच मैंने मतलब सोचा कि चलिए आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। ये होता है, कई लोगों के काम में भी आ जाता है, बच्चे लोग अगर घर में होते हैं तो ये तो काफ़ी काम में आने वाला चीज़ है। तो देखिए, उसका एक साइड में पहले फाउंडेशन वगैरह लगा ली, पहले तो मैं उसको एलोवेरा जेल या नारियल तेल, कुछ भी, जो भी बॉडी में कलर वगैरह लगाने वाले हैं तो एक कोट चढ़ा दीजिए। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगा दिया और उसके ऊपर देखिए ये कलर, मैंने ये वाटर कलर यूज़ किया है। तो देखिए, एक साइड में ब्लू कलर से भर दे रही हूँ और बीच में मैं एक वाइट लाइन खींच दे रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाइए क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, ऐसे ही फेस मेकअप होगा वगैरह। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मतलब हाईलाइट करता है राधा को, कृष्ण को, तो वो सब बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे बस डाल रही हूँ, जैसे कि उसका टीका वगैरह और राधा के वन साइड गजरा और उसके मतलब माथा टीका और उसका तिलक और कृष्ण जी का अलग से तिलक। तो ये सब मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ अलग अलग करके, तो ध्यान दीजिए, शायद काम में आ सकता है। फाइनली मैं उसका लुक भी आपको दिखा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, अभी तो मुझे जल्दी जल्दी ही स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया पूरा चीज़ का, रिकॉर्ड तो ऐसे चालू है, मैं मेकअप में बिजी हूँ, बट वो सब आपको डिटेल्स दिखाने चलती तो शायद एक घंटा डेढ़ घंटा ऐसे हो जाता, क्योंकि ये सब चीज़ में टाइम लगता है, आप लोगों को पता है। तो देखिए, फाइनली इसका चल रहा है मेकअप वगैरह। हाँ, मतलब सिर्फ हम ही मेहनत नहीं करते हैं, बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं, अगर वो दिखा रहे हैं तो ही हम कर पा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल से भी विश्वास नहीं था कि बाबू को मैं लेके जा पाऊँ, क्योंकि रात के काफ़ी देर तक मैंने उसका तैयारी किया, सब कुछ बना लिया, एक दिन ही मिला, मतलब कुछ अरेंजमेंट करने का ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ तैयारी हो गया। लेकिन रात को काफ़ी तेज़ बुखार था उसको, मुझे नहीं लगा था कि मैं उसे लेके जा पाऊँगी स्कूल, और मैंने मन से उतार भी दिया था, छोड़ो तबीयत खराब है तो
उससे बड़ी चीज़ कोई और नहीं है, उसे आराम करना चाहिए, मैं लेके नहीं जाऊंगी ऐसे सोच लिया था। बट वो सुबह जैसे ही हुआ तो बोला कि मुझे कृष्ण बनाने वाले हो ना मामा जी, तो ऐसा बोला तो चलो मेरे मन में कुछ और ही जागृत हो गया इच्छा। उसका बुखार भी थोड़ा कम हो गया था, मुझे लगा कि चलो हम लेके जा पाएंगे उसको, तो मैंने ये सब तैयारी कर ली। देखिए हाँ, अभी कपड़ा भी मैंने पहना लिया है, जैसे कि बातचीत करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इस बीच कपड़ा भी हमने पहनना शुरू कर लिया है। जैसे ब्लाउज जैसे मैंने दिखाया था तो उसी तरह ही ब्लाउज में पहनाई, ब्लाउज में मतलब उस टॉप को मैंने उस तरह से पहनाया, और पैंट फाइनली आप लुक देख के जान पाओगे मैंने किस तरह से स्टिच किया है, दो चुन्नी को ऐड करके। और ये सब एसेसरीज वगैरह मैं लगा रही हूँ, माला वगैरह हाथ का पैर का जो कुछ भी लगाना है। फेस मेकअप तो कंप्लीट हो गया, एक तरफ लड़कियों की तरह मेकअप और दूसरी तरफ सारा कुछ ब्लू कलर का, तो कृष्ण भगवान का जितना हो सका, और भी बाकी बहुत कुछ हम ऐड कर सकते थे। देखिए उसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, मैंने वो जो पगड़ी से बनाया था वो भी उसके सिर पर रख लिया। हाँ ये थोड़ा भारी था तो ये संभालने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था उसको, फाइनली मैं निकाल दी थी जब उसका फैंसी ड्रेस शुरू हुआ तभी उसको डाल के मैंने भेजा उसको, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात थी। अभी उसका चल रहा है, रोल प्ले कर रहा है वो, तो अपना नाम सब कुछ बोल रहा है और हरे कृष्णा मंत्र भी बोल रहा है। चलिए फाइनली मुझे काफ़ी खुशी हुई उसको इस स्टेज पे देख के, ऐसे बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हुए काफ़ी खुशी हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी काम का चीज़ लगा, तो मुझे तो काफ़ी दिल से खुशी होगी। हाँ अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस करना। बाय।